सो आप सभी को सुभाष चंद्र बोस जयंती की हार्दिक शुभकामना है। इस पावन अवसर पे मैंने एक लेख लिखा है जो उनकी कुर्बानियों को दर्शाता है और हम उस क्रांतिकारी दौर को एक बार फिर जीने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बलिदान बहुत दिए गए आजादी के लिए, बहुत लहू बहे, उनमें से एक नेताजी की आजाद हिंद फौज की कहानी, आइए सुनते हैं मेरी जुबानी। बात उन दिनों की है जब आजादी के सारे प्रयास विफल हो रहे थे, अंग्रेजों ने हमारी आजादी के सारी उम्मीदों का दम घोट दिया था, जब पूरे भारत में खून की नदियां बह रही थी, जब सर से लेकर पांव तक सारे क्रांतिकारी भाई कुचले जा रहे थे। समझ तो आ गया था कि अब शस्त्रों की बारी है, हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद समेत लाखों वीरों की आहुति दी जा चुकी थी, भारत का खून खौल रहा था। आजादी आजादी, किसी कीमत पे आजादी, हमारे रोम से आजादी की आवाजें चीखने लगी थी। तभी नेताजी आए, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे, दिल्ली चलो के नारे लगाते हुए आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप पे तिरंगा फहराया। अब बारी थी मणिपुर और नागा हिल को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त करवाने की और दिल्ली तक पहुंचने की। रक्त बहते रहे, फौज हमारी आगे बढ़ती रही, दिल्ली तो ना पहुंची लेकिन उनका रक्त नदियों में बहकर दिल्ली को लहूलुहान कर चुका था और क्रांति की ऐसी मसाल जली जो हमारे हमें आजादी की ओर ले जाकर अंग्रेजी हुकूमत से मुक्त करवा चुकी थी। भारत के पवित्र भूमि में जहां हम आप चैन की सांस ले रहे हैं, यहां तक पहुंचने के लिए उन वीर योद्धाओं ने बहुत पसीना बहाया है, रक्त बहाया है, किंतु ये तो मात्र उस प्रयास का शुभ आरंभ है कि जैसा वातावरण हमारे क्रांतिकारी भाई हमारे लिए छोड़ गए हैं, उस वातावरण को अपने प्रयासों से और भी हमें उत्तम बनाना है। यहाँ एक नया मुक्ति का संसार रच कर जाना है, उन योद्धाओं को गौरवान्वित करना है जिनका सर धड़ से अलग हो गया और उनका शरीर फिर भी लड़ता रहा, कि जब भी कोई व्यक्ति या राष्ट्र अपने सभी प्रयासों से थक जाए तब उसके पास भारत की अतिरिक्त कोई विकल्प ना बचे। जय हिंद, जय भारत।